Like a bell cut. कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को ये पोर्टल तो याद ही होगा जो हमने मिट्टी से बनाया था। फिर मैं पिछली बार जब ऑफलाइन खेल रहा था तो मैं जाके नेदर से काफ़ी सारे ब्रिक्स ले आया और फिर मैंने पोर्टल को डेकोरेट कर दिया। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, मतलब स्टार्ट हो चुका है आज, और कुछ ही दिन में दिवाली भी आने वाली है। तो हम अपने घर को थोड़ा डेकोरेट करेंगे माइनक्राफ्ट वाले में। वैसे तो मैं कर चुका हूँ नेदर से सोल सैंड ला के और ये ब्लू लाइट लैंप बना के, ये मैं काफ़ी कुछ कर चुका हूँ। इसमें लड़ियाँ तो मिलती नहीं है लाइटिंग की, तो मैंने ऐसे थोड़ी पैटर्निंग कर दी बस। ये देखिए मेरा घर। तो बस आपको कमेंट में जाके बताना है कि ये कैसा लग रहा है। बाकी तो कल हम माइनिंग भी करने गए थे और ये फिर से कितने बड़े बड़े हो गए। इन्हें मैं तोड़ दूँ, मेरे पे पिक एक्स रखी होगी। मैं पिक एक्स क्यों कह रहा हूँ, मेरे पे एक्स रखी होगी। कहाँ है एक्स 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 टूल्स? अरे इसमें नहीं होगी टूल्स। तो दोस्तों, मैंने जो विलेज से चुरा के लाया था कुछ डायमंड, उसकी मैंने स्वॉर्ड बनाई। और कल जब मैं ऑफलाइन खेल रहा था तो मुझे मिल गई एक माइन, जो कि मैं तब -12 पे स्ट्रिप माइनिंग कर रहा था और मुझे काफ़ी सारे डायमंड्स भी मिल गए। और मैंने देखिए डायमंड का आर्मर भी बना लिया। तो गाइज़, मैं सोच रहा हूँ बाकी के डायमंड सेव करके रख लेते हैं, क्योंकि मैं अभी इस गोल्ड वाली चेस्ट प्लेट को उतारना नहीं चाह रहा जिस पर लगी फायर प्रोटेक्शन और अनब्रेकिंग 3, और इस पर लगी सोल स्पीड 3, फायर प्रोटेक्शन और फेदर फॉलिंग। तो इसलिए मैं अभी इसे उतारना नहीं चाह रहा बिल्कुल भी। तो मैं क्या कर रहा था, हाँ मुझे चाहिए थी मेरी एक्स, ये तो इम्पोर्टेंट थिंग्स। टूल्स कहाँ गए मेरे? ये रे मेरी एक्स, वुडन की है, एक स्टोन की एक्स भी थी मेरे पे। खैर छोड़ो, ख़त्म हो गई होगी, दूसरी बना लेंगे हम। तो मैंने ऊपर भी यहाँ झूमर टाइप का एक लटका दिया है और अभी हम बाहर चलते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। और भाई ये कितने जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। और बैम्बू बहुत काम आते हैं, इनसे स्कैफोल्ड बन जाती है जो कि बहुत देखने में एक तरह से वो खाट जैसी लगती है। खाट अगर उन्हें चार एक साथ लगा दो तो वो जैसी गुथी हुई खाट या चार पाई कहते हैं उसे, वैसी लगती है। तो मैंने एकदम नीचे से काट दिया है मुझे, मैंने इन्हें, तो मुझे लगता है मुझे थोड़ा ऊपर से काटना चाहिए था। पर खैर छोड़ो, ये फिर ग्रो हो जाएंगे। हमें शुगर केन भी ग्रो हो चुकी है काफ़ी, तो अभी हम पहले इसे उठा लेंगे। मैं सोचूं कुछ दिन में एक पांडा ले आऊं जंगल से पकड़ के, मिल जाते हैं जंगल में, पर वो रेयर होते हैं, आज इतनी आसानी से भी नहीं मिलते। जहाँ बैम्बू होते हैं वहाँ पांडा होते हैं, मैं वहीं जाऊँगा जहाँ लास्ट टाइम मैंने पांडास देखे थे, मतलब पांडा नहीं देखे थे, जहाँ से मैं ये बैम्बूज लाया था वहीं जाना पड़ेगा मुझे। गाइस अभी कितने सारे बैम्बू हो गए। लास्ट टाइम मैं सिर्फ एक बैम्बू तोड़ के लाया था जो कि बहुत ऊंची लगी थी, और मैंने फिर बस एक ही बैम्बू तोड़ के उनके टुकड़े करके ऐसे लगा दिए थे इधर।